नमस्कार दोस्तों, आज रविवार का दिन है और ये दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि जिस पर भी सूर्य देव मेहरबान होते हैं उसके जीवन में यश, सम्मान और धन की कभी कमी नहीं रहती, साथ ही उस व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल होती है। कुंडली में मजबूत सूर्य उन्नति प्रदान करता है। वहीं रविवार के दिन सूर्य उपासना के साथ कुछ चीजों का दान करना बहुत फलदायी माना गया है। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में रविवार के दिन किन चीजों का दान करें, साथ ही साथ आपको किस विधि के साथ सूर्य देव को अर्घ दें, इसके बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर आप व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, काफी समय से व्यापार में घाटा झेल रहे हैं, तो ऐसे में नौकरी में कामयाबी पाने के लिए रविवार के दिन गरीब और जरूरतमंदों को सूर्य से संबंधित वस्तुएं यानी कि तांबा, गेहूं, मसूर की दाल, गुड़ और लाल चंदन का दान करें। रविवार के दिन इन चीजों का दान करना बेहद शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन इन चीजों का दान करने से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यवसाय में धीरे धीरे प्रगति होने लगती है। तो वहीं अगर आपके सभी काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो इसके लिए रविवार के दिन लाल रंग के चंदन का तिलक लगाएं, उसके बाद ही घर से बाहर निकलें। ऐसा करने से आप जिस भी काम से बाहर जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अपनी किस्मत के सितारे चमकाना चाहते हैं तो इसके लिए सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सूर्यदेव को अर्घ देते समय उनके बीच मंत्र ओम प्रा ह्रीं रों सः सूर्य नमः का उच्चारण करें। इस मंत्र के जाप से आपके मान सम्मान व यश में वृद्धि होती है और तमाम तरह के रोग से मुक्ति मिलती है। अगले उपाय के तौर पर आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक रविवार के दिन सूर्यदेव को जल में लाल सिंदूर मिलाकर अर्घ देने से कुंडली में सूर्य दोष दूर होता है, साथ ही साथ जीवन में तरक्की के नए मार्ग खुलते हैं। तो चलिए अब आपको सूर्यदेव को अर्घ देने की सही विधि के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको हमेशा ही सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद आपको साफ और धुले हुए कपड़े पहने, संभव हो तो हमेशा उगते सूर्य को ही जल चढ़ाएं, क्योंकि इस दौरान अर्घ देने से खास फल मिलता है। माना जाता है कि सुबह के समय जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से शरीर के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और सूर्य को अर्घ देने से पहले जल में रोली या फिर लाल फूल के साथ अर्घ देते वक्त आपके दोनों हाथ सिर से ऊपर होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की सभी किरणें शरीर पर पड़ती हैं। इसके साथ ही बता दें कि जब भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अर्घ देने के बाद 3 बार परिक्रमा जरूर लगाएं और फिर इसके बाद धरती के पैर छुएं और सूर्यदेव के मंत्र का जाप करते रहें। तो दोस्तों, इस विधि से सूर्यदेव को अर्घ देने से आपका जीवन उज्जवल होता है, साथ ही साथ रविवार के दिन इन चीजों का दान करने से करियर में आपको तरक्की मिलती है। तो कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएं। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।